जिम जाने वाले सभी लोग डेली एक्सरसाइज करें या ना करें, लेकिन एक चीज है जो वो डेली करते हैं, वो है प्रोटीन पाउडर लेना, जो उनके मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। और सभी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी सोशल मीडिया पर अलग अलग ब्रांड के प्रोटीन सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या सभी प्रोटीन ब्रांड्स अच्छे हैं? अभी रिसेंटली केरला के राजागिरी हॉस्पिटल ने एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल 36 ब्रांड जो प्रोटीन पाउडर्स बेचते हैं, उनमें से 70% ऐसे हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर मिसलेबलिंग करते हैं, जिसका मतलब है कि जितने ग्राम प्रोटीन लेबल पर लिखा था उतना प्रोटीन टेस्ट में नहीं मिला। और कुछ ब्रांड्स तो ऐसे भी हैं जो अपने सप्लीमेंट्स पर क्लेम की गई क्वांटिटी का 50% ही प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। कंपनियां दावा करती हैं कि उनके प्रोडक्ट में भरपूर प्रोटीन, जिन्हें लेने से सेहत बनती है, लेकिन सेहत कम और युवाओं की सेहत के साथ खेल ज्यादा हो रहा है। These were few of the most popular protein powders sold and consumed in India. Basically that 70% of these supplements were lying to their customers. साथ ही 40% ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स में हार्मफुल फंगल एफ्लाटॉक्सिन्स डालते हैं, जो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक होता है और उनके लीवर को डैमेज करता है। और 8% ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके प्रोटीन सप्लीमेंट्स में पेस्टिसाइड्स भी पाए गए हैं। इसीलिए आपको सुनने को मिलता है कि प्रोटीन पाउडर से किसी की डेथ हो गई या ऑर्गन्स खराब हो गए। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आप ही सोचिए ऐसे प्रोटीन पाउडर लेकर आप अपनी बॉडी बनाएंगे या उसे खराब करेंगे। ये रिसर्च इन ब्रांड्स और इन्हें प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर भी सवाल उठाती है, जो सिर्फ पैसों के लिए लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से ब्रांड्स हैं जो मिसलेबलिंग करते हैं, और साथ ही जानेंगे कि प्रोटीन पाउडर कितने सेफ है। ये रिसर्च एक सेल्फ फंडेड और ट्रांसपेरेंट रिसर्च थी, जिसने भारतीय बाजार में बिकने वाले 36 ब्रांड्स के प्रोटीन सप्लीमेंट्स को स्टोर्स और ऑथराइज्ड डीलर से खरीदकर लैब टेस्टिंग की है। 36 ब्रांड्स में से 25 ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनके प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिसलेबल्ड हैं और उनमें पैक पर लिखी गई मात्रा से बेहद कम या फिर बेहद ज्यादा प्रोटीन है। इसमें बिग मसल्स, ब्रिटिश बायोलॉजिकल्स, वन साइंस, डॉक्टर मोरपेन, फास्ट एंड अप, न्यूट्राबॉक्स, मसल ब्लेड जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। प्रोटीन पाउडर क्या है? प्रोटीन पाउडर एक तरह का ड्राई पाउडर होता है जो पौधे, अंडे और दूध से मिलकर बनता है। ये प्रोटीन का मेन सोर्स होता है। इसमें चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, विटामिन, एंजाइम्स और मिनरल्स के साथ साथ शरीर की जरूरत के मुताबिक सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके से ह्यूमन बॉडी को फायदा देते हैं। मार्केट में मिलने वाले अलग अलग प्रोटीन पाउडर पर स्कूप में 5 ग्राम से लेकर 35 ग्राम तक प्रोटीन की क्वांटिटी होती है। प्रोटीन पाउडर का यूज मसल गेन करने, वेट लूज करने, इंस्टेंट वर्कआउट के बाद मसल रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। मार्केट में 3 तरह के प्रोटीन बिकते हैं, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन और हाइड्रोलाइज प्रोटीन। कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन एमिनो एसिड और एंजाइम का यूज करके बनाया जाता है। इसमें 60-80% प्रोटीन और 20-40% फैट और कार्ब्स होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा यही प्रोटीन बिकता है। आइसोलेट प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन से ज्यादा फिल्टर करके बनाया जाता है, जिससे फैट और कार्ब्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसमें 90-95% प्रोटीन होता है। हाइड्रोलाइज प्रोटीन सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म का प्रोटीन होता है, जिसमें 100% प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन सेफ डॉक्टर के अकॉर्डिंग प्रोटीन पाउडर से हर किसी को फायदा नहीं होता। अगर आप अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको प्रोटीन पाउडर लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जरूरत से अधिक प्रोटीन लेने से प्रोटीन बर्बाद हो जाता है और यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर आ जाता है। सिर्फ वो लोग जो डेली जिम जाते हैं या एथलीट्स हैं, उन्हें ही ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे उन्हें मसल ग्रोथ और फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। प्रोटीन पाउडर उन लोगों की भी हेल्प कर सकता है जिनके शरीर में सिर्फ खाने से प्रोटीन की कमी पूरी नहीं हो रही है। 20 साल से कम उम्र के लोगों को किसी भी तरह की प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उन्हें तो कोशिश करना चाहिए कि वो अपनी प्रोटीन की कमी को नेचुरल फूड से ही पूरा कर ले। अपनी प्रोटीन इनटेक को बढ़ाने से पहले किसी न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस जरूर ले, क्योंकि अगर बॉडी में प्रोटीन की क्वांटिटी हाई हो गई तो आपको इनडाइजेशन, डिहाइड्रेशन, हेडेक और लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉर्मल पर्सन को 0.8 ग्राम से 1.2 पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। इसका मतलब है अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन डेली लेना जरूरी है। इससे ज्यादा अगर प्रोटीन की मात्रा लेते हैं तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। और जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, उन्हें 1.2 से 1.8 पर किलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। साथ ही कोशिश करें कि आप अपनी डाइट से ही अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर लें, जिससे आपको प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के समय में प्रोटीन काफी ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रहा है। अगर कोई प्रोटीन लेना चाहता है तो पहले किसी फिटनेस एक्सपर्ट की सलाह ले, उसके बाद ही प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करे। कई लोग सस्ते प्रोटीन के चक्कर में किसी भी कंपनी का प्रोटीन ले लेते हैं, जिसकी क्वालिटी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर बाद में जब उन्हें प्रॉब्लम होती है तब वो रिग्रेट करते हैं। अगर आपको प्रोटीन लेना ही है तो पहले थोड़ी रिसर्च करके किसी अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड का प्रोटीन ले। अब इस रिसर्च के पब्लिक होने के बाद ब्रांड्स ने इस रिसर्च के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर दिया है। उनका कहना है कि जैसा रिपोर्ट में लिखा गया है, वो अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स में मिसलेबल
लेबलिंग या किसी हार्मफुल चीजों का यूज नहीं करते हैं। अभी तो ये सिर्फ एक रिसर्च है जिस पर हम पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें इसके जैसे और रिसर्च है जो हमें प्रोटीन पाउडर के बारे में एश्योरेंस दे सके, लेकिन इस रिसर्च के रिजल्ट से हमें इतना तो पता चल गया है कि प्रोटीन पाउडर उतने सेफ या इफेक्टिव नहीं होते जितना हम पहले सोचते थे। अपनी बॉडी में कुछ भी डालने से पहले उसके बारे में एजुकेटेड और इन्फॉर्म होना सबके लिए बेहद जरूरी है। आप सबका इस टॉपिक पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।